हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम दिखाएंगे कैसे इंडक्शन कुकटॉप यूज़ करते हैं। इसका प्राइस है 1600 रुपया और इसका कुछ इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है जो कि इसको 30 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यूसली ना चलाए। इसका पावर खाना बनने के तुरंत बाद ऑफ ना करें क्योंकि इसका जो फ़ैन है वो चलते रहना चाहिए कुकिंग होने के बाद भी स्टोव को ठंडा करने के लिए। ये पीछे कूलिंग फ़ैन दिया हुआ है ताकि इंडक्शन को ठंडा रख पाए और ये वेंटिलेशंस है इंडक्शन के। आप इसमें इसको पुराना टूथब्रश देके जो वेंटिलेशंस है उसको क्लियर कर सकते हैं और फ़ैन का ऊपर जो केज है उसको भी क्लियर कर सकते हैं। ये ट्रबल शूटिंग है, कस्टमर की सहायता के लिए आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। डिवाइस को हेल्दी रखने के लिए खाना बनने के तुरंत बाद इसका पावर ऑफ ना करें क्योंकि इसका जो फ़ैन है वो चलते रहता है डिवाइस को ठंडे करने के लिए। वो फ़ैन बंद होने के बाद आप डिवाइस को बंद करें, इस तरह आप अपने डिवाइस को अच्छा रख पाएंगे। आप इस इंडक्शन के सारे बटन्स पॉज करके देख सकते हैं, डिफरेंट ब्रांड का डिफरेंट टाइप ऑफ बटन रहते हैं। अभी डिवाइस को टर्न ऑन करते हैं। इंडक्शन में हम फ्लैट बॉटम टाइप का यूटेंसिल जो कि स्टील का बना है वो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप इस सर्कल के अंदर रखना है। इसको छोड़ के आप इंडक्शन बॉटम वाला जैसे इस टाइप का कुकवेयर जिसका बॉटम इंडक्शन बॉटम है ये भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इस इंडक्शन को कैसे यूज़ करना है वो दिखाते हैं। इसमें पहले हम बर्तन के ऊपर पानी डाल रहे हैं जो कि हम गर्म करके दिखाएँगे। इसके बाद हमें इस डिवाइस को टर्न ऑन करना है। ये फंक्शन आपको सेट करना है। यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन दिया गया है, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अप एंड डाउन बटन दिया गया है जो कि आपको वाटेज या टेम्परेचर इन दोनों में से किसी को अप डाउन करने के लिए सुविधा मिलती है। अभी इस डिवाइस को हम टर्न ऑन करते हैं। देखिए, हम टच करके टर्न ऑन किए, उसके बाद जो फंक्शन है हम उसको सिलेक्ट करते हैं। देखिए 1000 वाट में ये चल रहा है अभी, जो कि प्रेशर कुक फंक्शन है। उसके बाद आपका दूसरा जितना फंक्शन है आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं और ये जो वाटेज है आपको आप बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं। जैसे 1600-1200 हुआ, ये वाटेज शो कर रहा है। फिर से आप फंक्शन चेंज करके देखिए, जो मिल्क है, मिल्क को गर्म करने का जो फंक्शन है, दूध गर्म करने का, वो देख सकते हैं। इसमें आप अप डाउन नहीं कर सकते हैं टेम्परेचर को, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद आप दूसरा जो चपाती बनाने का फंक्शन है उसमें जा सकते हैं या फिर डीप फ्राई, इसमें आप अप डाउन कर पाएंगे, अप डाउन फंक्शन बटन यूज़ कर पाएंगे आपके हिसाब से। उसके बाद का आपका आता है इडली बनाने का फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, फिर से वो जो प्रेशर कुक फंक्शन है उसमें चले जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम 1000 वाट यूज़ कर रहे हैं। आप जितना वाटेज बढ़ाते रहेंगे जैसे वो उतना जल्दी खाना बनेगा। जैसे कि आप 1600, मेरा ये वाला 1800 वाट तक ही सपोर्ट करता है। आप देख सकते हैं हम अभी 1000 वाट में यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पानी गर्म हो रहा है। तो अभी आप क्या करना है, हम जितना जल्दी खाना बनाना चाहेंगे हम उतना वाटेज ज़्यादा बढ़ाएंगे, पर इसमें पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा आएगा और आप कम करेंगे तो आपका खाना स्लो बनेगा। आपका खाना बनाना हो जाने के बाद आप इंडक्शन से ऑफ कर सकते हैं इसको, किंतु आप जो प्लग पॉइंट है वहाँ से बंद ना करें क्योंकि इसका फ़ैन अभी भी चल रहा है, जो अंदर का हीट है उसको ये निकाल रहा है। आप फ़ैन ऑटोमेटिक बंद हो जाने के बाद इसको बंद करें। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।